और नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। तो जैसा मैं तीन रूपों की चर्चा आप सब लोगों के बीच कर चुका हूँ, माँ पार्वती का ये तीनों रूप और आज चौथा रूप है कुष्मांडा। नौ रूप माँ पार्वती का है। कुष्मांडा का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ दिव्य मुस्कान। ऐसा कहा जाता है कि इस जगत में अंधेरा था और कुष्मांडा देवी ने मुस्कान किया, हंसा, तो इस जग में प्रकाश हुआ और इनको इसको नीचे बैठाओ, अष्टभुजा देवी भी कहीं कहीं कहा जाता है। अष्टभुजा के तमाम जगह मंदिर बने हुए हैं, तो इसलिए भगवान के दया से कुष्मांडा एक साधना की अवस्था है माता पार्वती का। जब चंद्र घंटा, जब हृदय में शीतलता आ जाती है, मन विषयों से, विकारों से उपराम हो जाता है, तब साधक के अंदर एक दिव्य मुस्कान आती है। इसके पहले तो जो भी हंस रहे हैं लोग, वो दिखावा है। कहे कुशल कहत कहत जग बिनसै, कुशल काल की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिनु बाधे जमपुर जासी। सब लोग कहते कुशल है, तो कहे हाँ भैया एकदम कुशल है, पतोह बड़ी बढ़िया मिल गई है, गरम गरम रोटी खिलाती है, बड़ा कुशल है। हंसते हैं लेकिन भगवान मालिक हैं, वो देखावटी हंसी है, वो दिव्य मुस्कान नहीं है। दिव्य मुस्कान तब अंदर से निकलेगी जब हृदय शीतल हो जाए, विकार मुक्त हो जाए, तब कुष्मांडा की स्थिति आती है। ब्रह्मांड में भगवान का नाम रिनक धिन अपने से उठे, फिर नाम सुनाई पड़ने लगता है श्वास में, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, गई तो ओम, आई तो ओम। तो ये माता पार्वती जी के अंदर दिव्य मुस्कान आई और श्वास सुनाई पकड़ में आने लगी। जब माता पार्वती तपस्या करने के लिए जाती हैं ना, नारद जी के बताए हुए उपदेश पर, तो उसी समय की ये चौथी अवस्था, चौथा दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। तो आज बहुत से घरों में जो कलश बैठा होगा, दुर्गा सप्तशती पाठ हुआ होगा, तो उसमें आज कुष्मांडा देवी की पूजा आचार्य लोगों ने करवाया होगा। तो ये जितने भी नौ देवियां हैं, ये कहीं न कहीं से माता पार्वती का नौ नाम है। अब आगे हम लोग चलते हैं।